बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए जय श्री कृष्ण। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर परिवार में या आपको या आपके घर परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आता है, दिन में कई बार गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोध आता है, तो आपको होली वाले दिन क्या उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इसको होली वाले दिन से शुरू करना है और 3 दिन तक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, होली वाले दिन जिस दिन होलिका दहन है उस दिन से शुरू करेंगे और फिर अगले दिन करेंगे जिस दिन रंग खेला जाना है और उसके अगले दिन करेंगे। 3 दिन तक लगातार ये उपाय करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। क्या उपाय करना है? 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए, जो नमक आप खाने में इस्तेमाल करते हैं पिसा हुआ नमक, अच्छा मुट्ठी भर के ले लीजिए। और जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसके सिर से 7 बार घुमाइए। और 7 बार घुमाने के बाद जिस दिन होलिका दहन होना है, 7 बार घुमाइएगा, जिस दिन होलिका दहन होना है एक अलग से कागज़ में पुड़िया बना के रख लीजिएगा और इसको होलिका दहन जब होने लगे, आग जलने लगे, वहाँ जाके डालाइएगा। अगली बार से जब ये अगले दिन जिस दिन रंग खेला जाना है उस दिन फिर सिर से 7 बार घुमाएंगे और इस नमक को एक कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए और अपने घर की जो डस्टबिन है उसमें डाल दीजिए। पानी में नहीं बहाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर जिस दिन होलिका मतलब दहन हो गया उस दिन आपने अग्नि में डाल दी, दूसरे दिन आपने डस्टबिन में डाल दी और तीसरे दिन फिर आपको ये उपाय करना है, सिर से 7 बार घुमाना है और फिर आपको डस्टबिन में डाल देना है। एक कागज़ में पुड़िया बना के डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नहीं फेंकना है। ये उपाय होली का दहन वाले दिन से शुरू करके लगातार 3 दिन तक करेंगे तो क्रोध गुस्सा से आपको राहत मिलेगी। गुस्सा यदि जिन लोगों को बहुत आता है उनका गुस्सा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये उपाय आजमाया है, आप भी ये उपाय आजमा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसलिए हर दिन ज़रूर बोलिएगा जय श्री कृष्ण।